नर्मदापुरम में 600 साल पहले आए थे गुरु नानक देव। यहाँ उन्होंने स्वर्ण स्याही से एक पोथी लिखी थी और राजा हुशंग शाह को अपना शिष्य बनाया था। ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से प्राचीन नर्मदापुर तथा आधुनिक काल में नर्मदापुरम जिले का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पुण्य सलीला माँ नर्मदा की महिमा न्यारी है, तभी यहाँ सांप्रदायिक सद्भाव की गौरवमयी मिसालें देखने को मिलती हैं। सिखों के आदि गुरु श्री गुरु नानक देव जी भी नर्मदा के महत्व को जानते थे, तभी वे अपनी दूसरी यात्रा के समय जीवों का उद्धार करते हुए बेटमा इंदौर भोपाल होते हुए नर्मदापुरम आए थे एवं यहाँ मंगलवारा घाट स्थित एक छोटे से कमरे में 7 दिन तक रुके थे। तब उनका यह 73वां पड़ाव था। उस समय नर्मदापुरम के राजा हुशंग शाह थे। 4-5 दशक पूर्व गुरु नानक देव के द्वारा जिस छोटी सी कोठरी में अपना समय बिताकर पोथी का लेखन किया गया था, उस स्थान पर दर्शन करने के लिए अनेक स्थानों से श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती थी, परंतु अब इस नई पीढ़ी को इसका पता नहीं है, इसीलिए वे इस स्थान के दर्शन करने से चूक रहे हैं। जो गुरु ग्रंथ साहिब हमारे संगावन नर्मदापुरम के अंदर सुशोभित है, यहाँ पर ये लगभग 350 से 400 साल तकरीबन पुराना स्वरूप है, और ये जो लिखा गया है हमारे सिख धर्म के सातवें गुरु हर राय साहिब जी है, उनकी हजूरी के अंदर उनके सन्मुख है, जो सम्मत 1718 के अंदर कीरतपुर पंजाब के अंदर लिखा गया है। और इसकी विशेषता ये है कि ये गुरु ग्रंथ साहिब जो है इसके अंदर सोने का भी जो प्रयोग किया गया है, स्याही इसको इसकी जो विशेष प्रकार से बनाई गई है, गूंद कीकर और रत्ती सोना, सोना भी जो स्याही की क्वांटिटी के हिसाब से सोना भी उसमें डाला गया है, रवाल रखनी कीकर ये सारी सामग्रियों के तांबे के बर्तन में, और जो बिजेसाल लकड़ी होता है उसका पानी का प्रयोग हुआ, बिजेसाल लकड़ी का तांबे के बर्तन में कुछ समय रख के है इंक तैयार गई और फिर हाथों से पूरा गुरु ग्रंथ साहब लिखा गया है। ऐसे जो पुरातन ग्रंथ है वो कुछ ही अपने देश के अंदर कुछ ही जगहों पे सुशोभित है, जैसे बड़े बड़े स्थान हो गए, सिखों का जो मेन स्थान है अकाल तख्त श्रोमणी कमेटी, जैसे दरबार साहब अमृतसर हो गया, तलवंडी साहिब हो गया, और अपने पटना साहिब, ऐसे विशेष स्थानों पे ही पाए जाते हैं, जिनके अंदर से एक ये भी पुरातन ग्रंथ है। यहाँ पे 1973 से ही ये गुरु ग्रंथ साहिब यहाँ पे विराजमान, इसके अंग जो टोटल है वो 799 है, और इसके अंग की जो गिनती का प्रकार है वो एक एक पेज है, उसको एक माना गया, जैसे आजकल प्रिंट कागज पेज होते हैं, यहाँ जो गुरु ग्रंथ साहिब है या कोई भी है उनके एक पेज को दो माना जाता है, कि एक इधर होता है और अगली तरफ पर उसको दो गिनते, तो इसमें एक पेज का एक ही गिनती बताई गई, इस तरीके से 799 टोटल है। यहाँ पे इनको सुखासन स्थान पे विराजमान किया हुआ है और विश्राम अवस्था में रहते हैं, जब भी कोई विशेष प्रोग्राम होता है जैसे गुरु नानक जयंती हो गई, जैसे गुरुपर्व में यहाँ पे वैसाखी मनाया जाता है, गुरु गोविंद सिंह जी का मनाता है, तो उस समय विशेष प्रकाश किया जाता है, इनको यहाँ पे रखा जाता है प्रकाशवान करके, और संगत दर्शन करती है।